नेक्स्ट आज बनाने वाले हैं पनीर आलू का सब्जी। देख सकते हैं पनीर आलू काट लिए, यहाँ पर तेल है तो यहाँ पर तेल को फिर थोड़ा सा पनीर और आलू को फ्राई कर देते हैं। चलिए इसको फ्राई होने देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आलू और पनीर को हल्का फ्राई करना है। चलिए यहाँ पर हल्का फ्राई हो गया, अब इसे एक प्लेट में निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पहले फ्राई हो गया, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। तो चलिए पहले हम प्लेट में निकाल देते हैं। तेल और जीरा डाले हैं और इसमें हम प्याज और टमाटर ऐड कर देते हैं। सिंपल तरीका पनीर का सब्जी बताने वाले एकदम झकास। तो चलिए इससे पहले ब्राउन कर देते हैं हल्का। इसमें नमक ऑलरेडी डाल देते हैं ताकि नमक से ही प्याज और टमाटर गल जाएगा। देख सकते हैं एक चम्मच हम नमक ऐड कर दिए हैं स्वाद अनुसार। चलिए इसे हम चला लेते हैं पहले और हल्का इसको ब्राउन होने देते हैं ताकि टमाटर और प्याज अच्छा से गल जाए। बस यहाँ पर प्याज और टमाटर ब्राउन हो गया। यहाँ पर टमाटर लहसुन प्याज और मिर्चा का पाउडर है, इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। तो यहाँ पर पेस्ट को हम डाल देते हैं इसमें। और चलिए इसको हम पहले फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। इसमें और कुछ मसाला कस्तूरी मेथी, जो मसाला आपका घर में रेगुलर वो मसाला डाल सकते हैं। ऐसे बड़ा मसाला पूरा हो गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं। तो चलिए कश्मीरी मेथी इसमें ऐड कर दिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड कर दीजिए तीखानुसार, अपना मीट मसाला ऐड कर दीजिए और इसे चला लीजिए अच्छा से। मसाला को भून लीजिए अच्छा से, थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए ताकि तेल छूट जाए मसाला में। चलिए इसे मसाला को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तो गाइस यहाँ मसाला हो गया, यहाँ पर रहा टमाटो सॉस। थोड़ा सा टमाटो सॉस इसमें ऐड कर दीजिए ताकि स्वाद बढ़ जाए। तो चलिए इसमें टमाटो सॉस हम ऐड कर, देख सकते हैं टमाटो सॉस है, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। तो गाइस देख सकते हैं इसमें मसाला भुंजा गया है और इसका तेल भी छोड़ दिया है। ऐसे पनीर आलू को साथ में कर थोड़ा सा भूनेंगे इसे। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं पनीर आलू, देख सकते हैं इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। आप लोग पानी लटपट खाने का मन है तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। आप पानी घोल रोटी साथ खाने का मन है तो आप इसे बेहतरीन थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो चलिए इसे भून लेते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं पनीर बनकर सब्जी। इस तरह से आपको रोटी साथ खाना है तो इस तरह से फ्राई करिए। अब बनकर रेडी हो चुका है पनीर का सब्जी। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है गाइस, देख सकते हैं। और आपको पानी डालकर रोटी साथ खाना है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए, मगर हम तो पानी नहीं डालेंगे, इसको लट पर रखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू बाय।